ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू टू माई चैनल पीपीएससी लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल का सेकेंड पार्ट रीड करेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन से पहले हम लोग अभी तक की स्टोरी का एक रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ये कहानी जो है एक 31 साल के आदमी की कहानी है जिसका नाम चार्ली है, जो थोड़ा सा विचित्र अनुभव करता है। वो एक दिन अपने ऑफिस से सबवे के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो उसके फर्स्ट लेवल पे सेकंड लेवल पर जाता है और फिर एक कॉरिडोर के थ्रू वो एक थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। थर्ड लेवल वैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है, लेकिन चार्ली को ये फील होता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया है और एक ऐसे टाइम ट्रेवल करके वो 18th सेंचुरी में जाके पहुँच गया है। वो इन सारी घटना को जो है अपने फ्रेंड सैम को बताता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और उससे सारी बातें अपनी शेयर करता है। उसके जितने और फ्रेंड रहते हैं वो चार्ली की इन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं कि उसकी हर चीज़ें बहुत ही वियर्ड हैं, बहुत ही स्ट्रेंज होती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें करता भी है, स्टैम्प कलेक्शन करता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही उसकी स्ट्रेंज है, इसलिए उसके साथ ऐसे स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हुआ करते हैं। लेकिन चार्ली जब वहाँ पर जाता है थर्ड लेवल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे जाता है, तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस करता है कि जो टिकट विंडो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं, वो उसके केबिन काफ़ी छोटे हैं और वहाँ पे गैस लाइट लगी हुई है जो कि ऑन ऑफ हो रही है, हवा के चलने से वो ऑफ हो जा रही है और फिर जो है फिर अपने आप ऑन हो रही है, तो फ्लिकरिंग कर रही है। तो वहाँ का एक जो व्यू होता है ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल का जो व्यू होता है वो भी हमें शेयर करते हैं। आगे देखते हैं कि चार्ली के साथ क्या क्या होता है, आगे की स्टोरी हम लोग रीड करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड द स्टोरी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी। ओपन द बुक एट पेज नंबर 4 एंड आई आस्क यू टू टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड ओपन द बुक एट पेज नंबर 4 and keep noting the difficult words meaning where you feel noting down to them। इसके पहले पेज नंबर 3 तक हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक लोकेशन के बारे में बताता है कि किस जगह थर्ड लेवल पे है और वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे टिकट विंडो है और वहाँ पे लोग कैसे दिख रहे हैं। और अब इस पैराग्राफ में ऑथर नरेटर जो है मैं ये बताने वाला है कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें स्टेशन पर उसको दिखाई दी। तो देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। सो स्पिटून्स दैट मीन्स क्या होता है कि अ पॉट फॉर स्पिटिंग। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे वेन एनी वन एग्जैक्ट सलाइवा फ्रॉम द माउथ, जब कोई जो है मुँह से सलाइवा निकालता है, थूकता है, तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर एक वेसल रखा हुआ था जिसमें लोग जो है उसको यूज करते थे। दैट वॉज मेड ऑफ ब्रास। वो किसका बना हुआ था? ब्रास का बना हुआ था। सो द स्पिटून्स प्लेस्ड ऑन द फ्लोर दैट वॉज मेड ऑफ ब्रास। तो वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या था कि पीतल का बना हुआ एक जो है वेसल था जिसमें लोगों को थूकने के लिए रखा गया था। और वहाँ पे क्या था कि अ फ्लैश ऑफ लाइट, ग्लिंट ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइट दैट वॉज कमिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म। और जहाँ पर ये नरेटर खड़ा हुआ था उसके दूसरी तरफ, प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक आदमी वहाँ पे खड़ा था और वो अपने पॉकेट से वेस्ट मीन्स क्या होता है कि जो उसने एक वेस्ट कोट पहना था, उस कोट की फ्रंट पॉकेट से जब वो घड़ी निकाल रहा था तो उसके घड़ी से एक बहुत तेज से एक चमक जो है वहाँ से आ रही थी जो नरेटर की आंखों पर पड़ती है। तो अ मैन वॉज टेकिंग आउट ऑफ हिज गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज फ्रंट पॉकेट ऑफ हिज वेस्ट कोट एंड दैट वॉज फॉलिंग ऑन द आईज ऑफ द नरेटर। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जो है एक आदमी खड़ा था और वो अपने जेब से सोने की घड़ी को निकाल रहा था, तो उससे उसके जो नरेटर है उसकी आईज पे उसकी चमक जो है स्ट्राइक करती है, तो वो जो है उस घड़ी को देखता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, ही ओपन द कवर ऑफ द वॉच, वो उस वॉच के कवर को ओपन करता है।
ही स्नैप्ड ओपन द कवर. स्नैप्ड ओपन द कवर मीन्स क्या होता है, उस कवर को ओपन करता है, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन्ड, और फिर वो अपने घड़ी की तरफ देखता है, और देखने के बाद ही जस्ट फ्रोन्ड हिज फेस, मतलब ही फ्रोन्ड मतलब क्या होता है कि ही मेक एन एंग्री फेस. तो वो जो है घड़ी का टाइम देखता है और घड़ी में टाइम देखने के बाद एक बहुत ही एंग्री लुक देता है. तो जैसे कि ये जो स्टेशन पे स्पिटून्स थे और ये गोल्ड वॉच एक पर्सन निकाल रहा है अपने जेब से, तो दीज वर वेरी कॉमन इन ओल्डन टाइम. ये सारी चीज़ें क्या थी, बहुत ही कॉमन थी. लोग जो है गोल्ड की चीज़ों को पहना करते थे, और स्टेशन पे भी कुछ ऐसे मेटल्स की चीज़ें रखी गई होती थी जो उस समय दिखाई देती थी. तो ये पुराने समय को जो है इंडिकेट कर रहा है कि जो नरेटर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ओल्ड टाइम में गया है, वो टाइम ट्रेवल किया हुआ है. He wore a derby hat, a black four-button suit with tinny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustache in my life. तो टिनी मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल. तो अब वो क्या था, वो जो आदमी था उसने क्या पहना था, ही वॉज वियरिंग डर्बी हैट. डर्बी हैट क्या होता है, दैट्स अ टाइप ऑफ हैट जो मैंने आपको स्टोरी के बिगिन होने से पहले कुछ पिक्चर्स में दिखाया था कि डर्बी हैट राउंड राउंड होता है. तो वो जो है डर्बी हैट पहने हुआ था, और उसने हिज कोट हैड फोर बटन्स एंड स्मॉल फ्लैप्स. और जो उसका कोट था उस पर फोर बटन थे, फ्लैप मीन्स जो उसका कॉलर था, जो उसका साइड का कॉलर था, मतलब जो कॉलर बना हुआ था उसके स्मॉल फ्लैप्स थे. तो उस जो कोट था उसके स्मॉल फ्लैप्स थे, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक मस्टैश, और उसकी जो है काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें थी, लाइक अ हैंडल बार टाइप. जैसे क्या होता है साइकिल की हैंडल होती है लटकी हुई, वैसे ही उसकी कुछ जो है मूछें दिखाई दे रही थी. व्हेन आई लुक्ड अराउंड द स्टेशन, जब उसने स्टेशन के चारों तरफ देखा, तो आई नोटिस्ड दैट ड्रेस ऑफ एवरीबडी वॉज ऑफ 1890s. तो जब उसने चारों तरफ देखा कि जो और पैसेंजर्स थे वहाँ पे, तो सभी ऐसा लग रहा था कि जैसे 1890s के लग रहे थे, सभी जो है 1890 के टाइम के लग रहे थे, मतलब एक ओल्ड फैशन ड्रेस सब पहने हुए थे. आई हैड मीन्स ही हैड नेवर सीन सो मेनी बियर्ड्स, ये पहले उसने कभी भी इतनी जो है बियर्ड्स, लोग बियर्ड रखते थे उस समय, तो इतनी बियर्ड नहीं देखी थी, इतने स्टाइल की बियर्ड उसने नहीं देखी थी. साइड बर्न्स ऑन टेम्पल्स, और टेम्पल्स पे जो साइड बर्न हुआ करता था वो ऐसा इन्होंने नहीं देखा था. एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ मस्टैश इन माई लाइफ, और उसके लाइफ में उसने ऐसा जो है इतनी स्टाइल की जो है बियर्ड्स वगैरह जो है उसने नहीं देखी थी इन हिज लाइफ. अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक. तो ग्लिम्स मीन्स क्या होता है, लुक, और लोकोमोटिव मीन्स क्या होता है, इंजन होता है. तो अ वुमेन केम फ्रॉम वन ऑफ द गेट्स ऑफ प्लेटफॉर्म. अब तभी वो देखता है कि जो है वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पे कई सारे उसके एंट्री और एग्जिट गेट हैं, जहाँ से लोग जो है एंटर करते हैं और एग्जिट कर रहे हैं. तो एक वुमेन जो है वो एक गेट से आती है प्लेटफॉर्म पे, एंड सी वॉज वियरिंग अ स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रेस, और उसने एक बहुत ही स्पेशल तरह का ड्रेस पहना है जिसको बोलते हैं लेग ऑफ मटन. ये लेग ऑफ मटन जो ड्रेस है, इसको भी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि उस पर कैसे जो है पफ बना होता है स्लीव्स में. तो वो लेग ऑफ मटन पहने हुए है, एंड उसका जो स्कर्ट है दैट वॉज अप टू हर शूज, उसके जो मतलब वो जो स्कर्ट है वो काफ़ी लॉन्ग है, एंड दैट वॉज टचिंग द शूज, उसके शूज को टच कर रहा था. एंड द शूज वर एक्सटेंडिंग अबव एंकल्स, और जो उसके शूज थे वो एंकल के अबव थे, एड़ी के ऊपर थे. एंड इट हैड लार्ज बटन्स, और उस शूज में क्या थी, बटन भी लगी हुई थी, और बटन जो है वो एंकल मतलब पीछे जो है बिहाइंड हर लेग, पीछे जो है उसके लेग के पीछे जो है वहाँ पर बटन लगी हुई थी, जहाँ पे वो उसको फास्टन की हुई थी, जहाँ पे उसको वो बटन अप की हुई थी. तो ऑन द रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक के जो है प्लेटफॉर्म पे जो है दिखाई देती है, एंड ही कुड सी इंजन ऑन द रेलवे ट्रैक, और जो रेलवे ट्रैक पे जो है वो एक इंजन को देख सकता था नरेटर यहाँ पे. और जो इंजन था वो क्या था, इट वॉज ए स्मॉल इंजन, वो जो है एक छोटा इंजन था मैन्युफैक्चर्ड बाई कुरियर एंड ईव्स. और वो इंजन को किसने मैन्युफैक्चर किया था, कुरियर और ईव्स ने जो है उसको मैन्युफैक्चर किया था. यहाँ पे एक वर्ड स्टैक का यूज हुआ है, तो स्टैक मीन्स क्या होता है, दैट्स अ पीस फ्रॉम वेयर स्मोक्स कम आउट, जिससे जो है धुआं निकलता है, इंजन से धुआं निकलता है. तो एक वहाँ पे स्टैक था, इट्स स्टैक वॉज फनल शेप्ड, और जो उसका स्टैक था उसका शेप कैसा था, फनल शेप्ड था. फनल शेप्ड मीन्स क्या होता है कि कीप की तरह से, एक कीप होती है, जैसे क्या होता है कि अगर आपको कोई ऑयल को किसी दूसरे
कैन में उसको ट्रांसफ़र करना है, तो आप एक फ़नल का यूज़ करते हैं, एक कीप का यूज़ करते हैं, तो जो उसका जहाँ से धुआं निकलता है, जो स्टैक था, वेयर मीन्स दैट्स अ काइंड ऑफ ओपनिंग, वो एक ओपनिंग होती है इंजन में जहाँ से स्मोक बाहर आता है, तो वो उसका शेप कैसा था, दैट वॉज फनल शेप्ड, वो फनल शेप्ड था और उसी से धुआं बाहर निकल रहा था. एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. तो ये जो द वर्ल्ड लिखा गया कैपिटल से, इट्स अ नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर का नाम है. और न्यूज़ बॉय मीन्स क्या होता है कि अ बॉय हु सेल्स न्यूज़पेपर, एक लड़का जो न्यूज़पेपर को सेल करता है. और यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बोला देन आई न्यू मतलब क्या होता है कि देन ही अंडरस्टूड, जब उसने देखा कि सारी चीज़ें ओल्ड फैशनड हैं, तो उसको समझ में आ गया कि ये जो यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इस टाइम के नहीं है. वो समझ गया कि ही अंडरस्टूड दैट ही हैड ट्रेवल्ड बैक इन टू द टाइम. अब वो समय में जो है वो पीछे चला गया, टाइम के मतलब उसने टाइम ट्रेवल किया है, वो पीछे मतलब काफ़ी समय पीछे चला गया है. और इसको श्योरिटी, इसकी श्योरिटी करने के लिए वो क्या होता है, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय. इसकी श्योरिटी को करने के लिए वो क्या होता है, न्यूज़ बॉय मतलब एक हॉकर के पास में जाता है, जो एक लड़का होता है उसके पास जाता है, और जिसने क्या किया है कि स्टैक ऑफ पेपर्स, उस वहाँ पे पेपर का एक ढेर है, स्टैक मीन्स क्या होता है पाइल ऑफ पेपर्स, एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. और वो लड़का क्या है, अपने पैर के पास उसने पेपर को उसका ढेर, उसके मतलब पेपर का ढेर रखा हुआ है, और उस पेपर के ढेर में क्या है कि देर वॉज अ न्यूज़ पेपर, वहाँ पर एक न्यूज़ पेपर होता है, द नेम ऑफ द न्यूज़ पेपर वॉज द वर्ल्ड, और उस पेपर का नाम क्या होता है द वर्ल्ड. तो दिस न्यूज़पेपर दैट वॉज यूज टू गेट पब्लिश्ड मेनी ईयर्स एगो, ये बहुत पहले कभी प्रिंट हुआ करता था, लेकिन अब उसकी प्रिंटिंग बंद हो गई थी. तब जब नरेटर उसको देखता है कि ये न्यूज़पेपर तो बंद हो चुका है, तब उसको समझ में आ जाता है कि ये बहुत पहले कभी प्रिंट हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल करके आया हुआ है. द लीड स्टोरी said something about President Cleveland. I have found that front page scenes in the public library files and it was printed June 11, 1894. तो लीड स्टोरी मीन्स क्या होता है, मेन आर्टिकल, और मेन आर्टिकल क्या होता है, जो फ्रंट पेज होता है, जो प्राइम न्यूज होती हैं वो फ्रंट पेज पे जो है प्रिंट होती हैं. तो जो आर्टिकल वहाँ पे प्रिंट हुआ था, उस न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल प्रिंट हुआ था वो क्या था, That was about President Cleveland. वो Cleveland के बारे में उसमें जो है लिखा हुआ था, and it was on the front page. ये फ्रंट पेज पे था, जिसको कभी चार्ली ने एक लाइब्रेरी में पहले, बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लाइब्रेरी में जाके इसके बारे में उसने, तो ये उसने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ था, वही न्यूज़ उसमें उस उसको जो है उस पेपर में दिखाई दे रही थी. क्लीवलैंड के बारे में जो एक मेन आर्टिकल जो प्रिंट हुआ था न्यूज़पेपर में, उसने बहुत पहले ही जो है लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था. एंड ही देन ही लुक्ड एट द डेट, तब उसने डेट को देखा था, एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894. तब इसको पता चला, देन ही केम टू नो दैट द डेट वॉज June 11, 1894. तब उसने देखा कि जो है जो डेट उसमें प्रिंट हुई थी न्यूज़पेपर में वो June 11, 1894 की थी. आई टर्न्ड टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लाउजा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो इन द ईयर 1894 एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉयस. अब ये क्या था, ही वेंट टू द टिकट विंडोज, ये जो है टिकट विंडो के पास जाता है, और टिकट विंडो के पास जाने के बाद देन ही न्यू दैट फ्रॉम थर्ड लेवल, की थर्ड लेवल से ही कुड बाय टिकट्स टू एनी वेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड यूएसए जाने के लिए, किसी भी जगह पे जाने के लिए वो वहाँ से टिकट ले सकता था. एंड इट वाज द ईयर 1894. अब उसको ये कंफर्म हो गया क्योंकि उसने न्यूज़पेपर पर डेट देख ली, तो वहाँ पे डेट में क्या लिखा था, 1894 लिखा हुआ था. तब इसको ये कंफर्म हो जाता है, ये श्योर हो जाता है कि इसने टाइम ट्रेवल किया है, ये समय के पीछे चला गया है, जिस समय में था उसके पीछे ये जा चुका है, टाइम ट्रेवल करके ये पुराने समय में आ गया है. और ये टाइम कब का होता है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड दोनों नहीं हुए रहते हैं, तो ये 1890s में चला जाता है, 90s मीन्स 1894 में है ये, इसका एकदम ये कंफर्म हो जाता है. तो ये क्या करता है, टिकट खरीदने के लिए जाता है, और फॉर हिमसेल्फ अपने आप ही जाता है, एंड फॉर हिज वाइफ लाउजा अपने लिए, ही वेंट टू परचेज द टिकट फॉर हिमसेल्फ अपने लिए एंड फॉर हिज वाइफ लाउजा, अपनी वाइफ लाउजा के लिए, टू गो टू गेल्सबर्ग टाउन ऑफ इलिनॉयस स्टेट. और कहाँ जाने के लिए, गेल्सबर्ग टाउन इलिनॉयस जाने के लिए, इलिनॉयस स्टेट में जो गेल्सबर्ग टाउन है वहाँ जाने के लिए वो टिकट परचेज करने के लिए जाता है.
हेयर आई वुड लाइक टू क्लियर, यहाँ पे बाय का यूज हुआ है और मैंने परचेज, मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा हूँ। तो बाय और परचेज में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जब हम कोई चीप, जब कोई सस्ती चीज़ें लेते हैं तो उसके लिए हम लोग बाय का यूज़ करते हैं, और जब हम कोई चीज़ महंगी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए हम परचेज का यूज करते हैं। तो परचेज और बाय में यही डिफरेंस है कि बाय जो है सस्ती चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और परचेज जो है एक महंगी चीज़ों के लिए किया जाता है, कॉस्टली चीज़ों के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्री हूज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। और यहाँ पर जो नरेटर है वो हमसे ये क्वेश्चन करता है, मतलब रीडर से ये क्वेश्चन करता है कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी उस टाउन गए हैं, गेल्सबर्ग आप कभी गए हैं। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी ये बहुत सुंदर जो है ये शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, क्योंकि वहाँ पर जो हाउसेज हैं, फ्रेम हाउस मीन्स क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन, काफ़ी बड़े बड़े लॉन होते हैं, एंड वेरी बिग ट्रीज, और बड़े बड़े जो है पेड़ होते हैं, ब्रांचेज ऑफ दिस ट्रीज मीट एट अ गुड हाइट इन द स्काई, और उसकी शाखाएं इतनी लंबी होती हैं कि वो बिल्कुल स्काई टचिंग होती है, मतलब काफ़ी ऊँची ऊँची उसकी ब्रांचेज होती हैं, काफ़ी ऊँचाई में वो पेड़ होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज, ट्रेमेंडस मीन्स कहता है ह्यूज, काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और जिसकी ब्रांचेज क्या होती हैं, काफ़ी ऊँची ऊँची होती हैं, दीज ब्रांचेज क्रिएट सॉर्ट ऑफ रूफ, और ये जो है एक छत बना देती हैं, दे मीन्स दैट मेक अ कैनोपी, एक कैनोपी बना देती हैं जहाँ पर पूरी रोड जो है उनकी सेड से, उनकी छाया से भर जाती है। सो द रोड्स आर कवर्ड बाई ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और जो रोड्स होती हैं वहाँ की गेल्सबर्ग की, वो एकदम उसकी छाया से बिल्कुल ढकी होती हैं, और एक बहुत ही अच्छी सेड होती है, बहुत सुंदर लगता है वहाँ की सड़कों में। तो ये गेल्सबर्ग के बारे में बताते हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सैट आउट ऑन दियर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमेन हैविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, फायरफ्लाईज आपको मालूम है दैट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट शाइंस ड्यूरिंग इवनिंग्स एंड नाइट्स। गर्मी के समय में जो है, इवनिंग के टाइम में और नाइट के टाइम पे जो है, ये एक तरह का इंसेक्ट है जो कि चमकता रहता है, जिसको हिंदी में जुगनू बोलते हैं। तो जनरली समर टाइम में जो इवनिंग होती है वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग होती है, आपको मालूम है समर में जो डेज़ का जो टाइम होता है, जो डे का ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। तो इन 1894 क्या होता है, समर की इवनिंग होती है, एंड दैट वाज वेरी लॉन्ग, काफ़ी लंबी वो शाम होती है। पीपल यूज़ टू सिट इन देयर लॉन्स, लोग शाम के समय, गर्मी में शाम के समय लोग जो है लॉन में अपने बैठते हैं। मैन वुड बी क्वाइटली स्मोकिंग सिगार्स, और फैमिली में जितने भी मैन थे वो बाहर बैठ कर के सिगार स्मोक कर रहे थे। एंड वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वुमेन थी वो क्या कर रही थी, पाम लीफ के बने हुए फैंस को, हैंड फैन को उससे हवा कर रही थी। विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके आसपास क्या था, फायरफ्लाइज क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है जिसको हिंदी में जुगनू बोलते हैं। जुगनू आसपास क्या कर रहे थे, वो चमक रहे थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एकदम बिल्कुल शांत जो है एनवायरनमेंट में, एकदम शांत माहौल में वहाँ पर जुगनू चमक रहे थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। और यहाँ पे जो है जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, द वर्ल्ड वॉर वॉज 20 years फ्रॉम दिस डेट, इस समय जिस डेट पे वो वहाँ पर जो बात बता रहा है यहाँ पे नरेटर, उस डेट से जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 20 years जो है बाद में था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 40 years अवे था फ्यूचर टाइम में। तो फ्यूचर टाइम मतलब अभी ये क्या है कि ये टाइम ट्रेवल करके पीछे आया है, तो इस वजह से जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 years बाद है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 40 years बाद है फ्यूचर में। एंड ही हैड आस्क्ड, नरेटर हैड आस्क्ड फॉर 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग टाउन ऑफ इलिनॉइस स्टेट, और ये 2 ticket जो है वहाँ पर मांगता है, कहाँ पर, टिकट विंडो पे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, और जो क्लर्क रहता है वहाँ पे विंडो पे, टिकट विंडो पे, वो क्या करता है, ही फिगर्ड द फेयर, फिगर्ड मीन्स क्या होता है, कैलकुलेटेड, वो जो फेयर होता है, जो किराया होता है ट्रेन का, उसको वो कैलकुलेट करता है। ही लुक्ड एट माई फैंसी बैंड ऑन द हैट, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैंड बैंड, मतलब क्या होता है, ग्लांस्ड मीन्स होता है लुक्ड, और वो क्या करता है, उसके जो फैंसी एक बैंड होता है उसको वो देखता है,
हेड पे जो बैंड लगे होते हैं उसके, उसको वो देखता है। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वो जो है जो फेयर है उसको भी वो फिगर करता है, उसको भी काउंटिंग उसकी करता है और उसको नरेटर को बताता है कि गेल्सबर्ग जाने के लिए कितना ज़्यादा अमाउंट उससे लगेगा, उसको वो कैलकुलेट करके बताता है। एंड आई हैड एनफ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे, और एक तरफ जाने के लिए जो ये नरेटर है इसके पास पूरा एक तरफ जाने का पूरा पैसा था, और कितने टिकट्स का, टू टिकट्स का, टू टिकट्स किसके लिए, एक अपने लिए और अपने एक वाइफ के लिए, उसको एक तरफ जाने का पूरा पूरा उसके पास पैसा था। एंड बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, और जब इसने क्या किया, ही काउंटेड आउट, जब इसने पैसे गिनकर निकाल के दिए द मनी, उसने पैसे निकाल के दिए एंड लुक्ड अप, और जब वो देखा ऊपर क्लर्क की तरफ तो द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट हिम, तो क्लर्क क्या था, क्लर्क उसकी तरफ जो है बिल्कुल घूर करके देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने जो है बिल को क्या किया, बिल को देने से मना किया, दैट आरंट मनी मिस्टर, और उसने जो है कहा कि ये कोई पैसा नहीं है, ये कोई पैसा नहीं है। ही सेड, उसने कहा कि कोई पैसा नहीं है, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। स्किन मी मीन्स क्या होता है, कि चीट मी या डिसीव मी, और कहता है कि अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे, तुम यहाँ से बहुत दूर नहीं जा पाओगे, तुमको तुरंत जो है पकड़ लिया जाएगा। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसने कहा अपने बगल में जो ड्रॉवर था उसने जो है उस ड्रॉवर को, जो बगल में ड्रॉवर खुला हुआ था, दराज जो खुली हुई थी उसमें उसने देखा, जो नोट्स उसमें रखी हुई थी वो क्या थी, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। तो ऑफ कोर्स जो मनी उस समय थी, जो उसने बिल दिया था, वो जो पैसे वहाँ रुपए जो रखे हुए थे वो ओल्ड बिल, ओल्ड मतलब ओल्ड करेंसी थी, और उसके जो नोट की साइजेस थे वो भी डिफर कर रहे थे। यहाँ पे जो कह रहा है कि हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करेंसी अभी हम यूज़ करते हैं उस करेंसी की साइज से भी वो, दैट वॉज वन एंड हाफ टाइम्स द साइज ऑफ द नोट्स वी यूज़ नाउ डेज, और वो क्या थी, जो अभी की करेंसी है उस करेंसी के कंपैरिजन में उसकी हाफ साइज थी, वन एंड हाफ टाइम्स जो है वो छोटी थी आज की करेंसी से। तो जो उस समय करेंसी थी उसमें जो नोट थी वो काफ़ी जो है स्मॉलर साइज में थी, एंड दे दैट वर डिफरेंट, वो डिफरेंट थी। तो यहाँ पे अकाउंट उससे कहता है कि अगर उसको वो धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, वो बहुत दूर नहीं जा पाएगा, और वो अपने बगल में जो ड्रॉवर होता है उसको ओपन करके उसको दिखाता है, और जो उसमें नोट्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉलर साइज़ की होती हैं, दैट इज़ अबाउट वन एंड हाफ टाइम्स द साइज ऑफ नोट्स, वो जो है अभी की जो नोट्स है उसकी वन एंड हाफ टाइम्स जो है उस छोटी होती है और वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और यहाँ पे क्या होता है कि जो नरेटर है वो तुरंत क्विकली वहाँ से मूव करता है और आउट ऑफ द स्टेशन वो आ जाता है, मीन्स ही जस्ट केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो जो है स्टेशन के बाहर आ जाता है। दिस नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और कहता है कि 1894 में भी जेल कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, वो पनिशमेंट उतना ही था, उस समय भी उतने ही ज़्यादा हैरेस करते थे जेल में जैसे कि अभी। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, और यहाँ पे नरेटर ये कहता है कि जिस तरह से वो स्टेशन पे पहुँचा हुआ था, थर्ड लेवल पे जिस तरह से वो पहुँचा था उसी रास्ते से वो वापस आया, उसी रास्ते से वो बाहर निकला। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आर आई ड्र्यू $300 आउट ऑफ द बैंक नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और फिर क्या करता है कि जब ये वापस आता है तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे लंच के टाइम पे ये क्या होता है, ही विड्रू $300, ये जो है अपने बैंक से ही जस्ट विड्रू $300 से विड्रॉल करता है। इट वॉज ऑल द मनी ही हैड, और ये क्या था, यही उसके पास टोटल पैसा था, और विद दिस मनी ही बॉट ओल्ड करेंसी, और क्या करता है इस पैसे से वो ओल्ड करेंसी को परचेस करता है। एंड दिस वॉज अ कॉज ऑफ वरी टू हिज फ्रेंड साइकेट्रिस्ट सैम, जो सैम होता है उसकी ये जो है
एक वरी, एक चिंता का जो है एक कारण भी बनता है वो उसके इस बिहेवियर से, जो वो पैसे निकालता है अपना पूरा पैसा बैंक से जो निकाल लेता है, इससे जो उसका फ्रेंड सैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड भी होता है। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइंस डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम बाई माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिंट केयर एक्स वर्थ 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। तो यहाँ पे नरेटर जो है क्या कहता है कि इसने जो है अगर ये चाहता तो मीन्स एनी वन कैन बाय ओल्ड करेंसी एट एनी ऑफ द क्वाइन डीलर, कोई भी जो है क्वाइन डीलर से जा कर के ओल्ड करेंसी खरीद सकता था। लेकिन अब इसने जो है जो ओल्ड करेंसी इसने एक्सचेंज किया, इसने बैंक से एक्सचेंज किया, तो वहाँ पे क्या होता है कि बैंक से एक्सचेंज करने पे उसे प्रीमियम पे करना होता है, और प्रीमियम पे करने से जो है काफ़ी ज़्यादा वो कॉस्टली हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वन कैन बाय ओल्ड करेंसी एट एनी ऑफ द क्वाइन डीलर बट वन हैज़ टू पे मोर टू बाय ओल्ड करेंसी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब क्वाइन डीलर के पास जाते हैं तो जो भी ओल्ड करेंसी आप परचेज कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा देना होता है। $300 ऑफ न्यू करेंसी वॉज इक्वल टू 200 करेंसी ऑफ ओल्ड करेंसी। तो जैसे अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम का जो $300 करेंसी है उसको अगर हम जाके देते हैं उस क्वाइन डीलर को, तो वो हमें ओल्ड टाइम की $200 करेंसी वो देगा। तो यहाँ पे क्या है कि नरेटर जो है वो अपने आप को कंसोल करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को सांत्वना देने के लिए वो कहता है कि उसे इससे परेशानी नहीं है क्योंकि 1894 में जो प्राइस ऑफ एक्स था दैट वाज 13 सेंट पर डजन। एक डजन जो है 12x का जो कॉस्ट था वो क्या था, 13 सेंट। तो बहुत ही कम पैसे थे, तो इसलिए उसने कहा कि 1894 में उसे वो टाइम ट्रेवल कर रहा है, पीछे जा रहा है, तो एक्स जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जिस तरह से उसके पास $200 है तो उससे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर जो महंगाई है वो उसी के अकॉर्डिंग है और उसमें वो अफोर्ड कर सकता है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफ एन एनफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर दैट मेनी टाइम्स ही ट्राइड, ये बहुत बार चार्ली ने कोशिश की टू फाइंड आउट द डोर, कि वो कॉरिडोर को जो है पता लगाए दैट लीड्स टू हिम टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कॉरिडोर उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ले गया था, बट ही कूडेंट लोकेट द कॉरिडोर। लेकिन अब वो कॉरिडोर को बिल्कुल पा नहीं रहा था कि कॉरिडोर कहाँ था। लाउजे वॉज प्रेटी वरीड वेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिड नॉट want me to look for the third level anymore and after a while I stopped, I went back to my stamps। और ये क्या करता है कि अपनी वाइफ जो है लाउजा को जब ये बताता है तो सी वॉज प्रिटी वरीड, प्रिटी वरीड मीन्स सी वॉज मच वरीड, सी वॉज क्वाइट वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जैसे ही उसको बताता है इस इंसिडेंट को उससे, तो वो उसको एडवाइस करती है कि अब उसको थर्ड लेवल दोबारा से सर्च नहीं करना है। और इस उसके मना करने पे क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो भी जो है सर्च करना बंद कर देता है एंड ही स्टार्टेड गिविंग अटेंशन टू हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, और फिर से अपनी जो उसकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन उसको करना वो शुरू कर देता है और ग्रैंड स्टेशन को जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ही ढूंढना बंद कर देता है। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there, my friend Sam Weiner disappeared। और यहाँ पे क्या था कि but now we both myself and means we both मतलब both यहाँ पे किसका है for himself, इसके लिए मतलब चार्ली के लिए और उसके फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम। तो अब ये दोनों मतलब चार्ली एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल ड्यूरिंग वीकेंड। अब ये लोग वीकेंड पे जो है जाते थे सर्च करते थे। वीकेंड कंप्राइजेस 2 डेज, इट कैन बी सैटरडे और संडे और फ्राइडे और सैटरडे। तो ये वीकेंड पे जाया करते थे और वहाँ पर जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का उसको ये सर्च करते थे। और ये लोग इसलिए सर्च करते थे क्योंकि इनके पास ये प्रूफ था, थर्ड लेवल एग्जिस्ट होने का इनके पास एक प्रूफ था, बिकॉज चार्ली वंस हैड विजिटेड दैट प्लेस। तो इनके पास ये प्रूफ था। हिज फ्रेंड सैम विनर हैड डिसअपीयर्ड। और अचानक क्या होता है कि ढूंढते उनका फ्रेंड जो सैम है वो एक दिन गायब हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg।
आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894. सस्पेक्टेड मीन्स क्या होता है? डाउटेड. और सिटी बॉय मीन्स क्या होता है कि वन हु लाइक सिटी लाइफ, एक ऐसा लड़का जिसको सिटी लाइफ अच्छी लगती है. तो सिटी लाइफ किसको अच्छी लगती है? यहाँ पे सैम को अच्छी लगती है. तो नोबडी न्यू वेयर ही हैड गॉन, किसी को ये मालूम नहीं था कि कहाँ वो चला गया था. बट चार्ली हैड अ डाउट, लेकिन चार्ली को एक संदेह था, मतलब उसको शक था कि सैम वॉज अ पर्सन हु हैड लिव्ड इन अ सिटी, कि सैम एक ऐसा लड़का था जो कि शहर में ही रहता था एंड लव्ड सिटी लाइफ, और उसको सिटी लाइफ बहुत अच्छी लगती थी. और ये क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि जो चार्ली है, ही यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, वो उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, वो गेल्सबर्ग की स्टोरी उसको बताया करता था, गेल्सबर्ग के बारे में बताया था. आई वेंट टू स्कूल देयर, और वो बताता है कि वो स्कूल जाया करता था गेल्सबर्ग में. तो मीन्स ही टोल्ड हीज स्कूलिंग दैट ही हैड कम्प्लीटेड देयर स्कूलिंग. चार्ली ने वहाँ पर स्कूलिंग अपनी कम्प्लीट की थी. तो गेल्सबर्ग की जो भी स्टोरी है, ये अक्सर जो है सैम को सुनाया करता था. एंड सैम टोल्ड हिम दैट ही लाइक्ड दैट प्लेस, और सैम ने उसको बताया कि ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस. साउंड ऑफ द प्लेस मीन्स क्या होता है? उस प्लेस की जो शांति है, जो एक सीरीन एटमॉस्फियर है, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है. एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. और ये क्या था कि ये चार्ली का डाउट था. चार्ली डाउटेड दैट ही हैड गॉन देयर इन द टाइम ऑफ 1894, क्योंकि उस समय जब वो टाइम ट्रेवल करके पीछे गया हुआ था, तो उस समय 1894 था. ईयर क्या था? 1894 था. और इसीलिए वो 1894 में बैक हो गया था, और उसको ये लग रहा था कि सैम भी उस टाइम पर वो ट्रेवल करके वहाँ पर पहुँच गया है. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक दिन क्या था कि ही वॉज फसिंग. फसिंग मीन्स क्या होता है? ही वॉज गोइंग थ्रू विदाउट एनी पर्पज. तो जब आप बिना कोई पर्पज के कोई काम करें, तो वो क्या होता है? फसिंग. तो एक दिन क्या हुआ, ही वॉज लुकिंग एट हिज स्टैम्प कलेक्शन. इसने जो स्टैम्प कलेक्ट किया था चार्ली ने, ये उसको ऐसे ही देख रहा था, ऐसे ही मतलब कैजुअली उसको देख रहा था, कोई पर्पज नहीं था. वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज, तो यहाँ पे वो रीडर से पूछता है कि डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, क्या आपको मालूम है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट डे कवर के बारे में बताता है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है. तो देखिए इसका आंसर क्या है कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. तो यहाँ पे जो चार्ली है, वो हमें ये बताता है कि जब कभी क्या होता है कि व्हेन अ स्टैम्प इज इशूड, जब कोई स्टैम्प का इशू किया जाता है ऑफिशियली, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होता है, वो क्या करता है कि कुछ स्टैम्प वो ख़रीदता है. मतलब जैसे ही कोई स्टैम्प इशू होता है, कोई भी टिकट इशू होता है पोस्ट ऑफिस में, तो पहले जो कलेक्टर होता है, स्टैम्प कलेक्टर होता है, वही उसको पहले ख़रीदता है फर्स्ट डे. और वो क्या करता है कि एक एनवेलप लेता है, और वो एक एनवलप लेता है, और एनवलप पे क्या होता है कि एनवलप पे वो उस टिकट को लेने के बाद वहाँ पर पेस्ट कर देता है. और पेस्ट करने के बाद फिर वो क्या करता है कि जो पोस्ट ऑफिस की सील होती है, जो मुहर होती है, वो उसको वहाँ पर उस स्टैम्प, मतलब उस सील को लगाता है, उस मुहर को लगाता है, और फिर उसको वो अपने आप को ही भेज लेता है. ओके तो यहाँ पे क्या है कि टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. तो जैसे ही वो इशू होता है टिकट, उसमें वो क्या करते हैं कि एक एनवलप लेते हैं, और एनवलप पे वो टिकट लगा करके अपने आप को ही वो मेल कर लेते हैं, अपने ही मतलब अपने ही पोस्टल एड्रेस पे वो मेल कर लेते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जिस डेट पे वो अपने आप को मतलब वो टिकट जो है फिर से मतलब वो अपने आप को मेल करते हैं, तो दैट्स प्रूव्स द डेट. वो डेट के प्रूफ के लिए होता है कि इस दिन वो टिकट इशू हुआ, और वो एक डेट प्रूफ हो जाता है. द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और जो इस तरह से एनवलप होता है जिसमें नया टिकट जो है लग करके वो एक एज अ प्रूफ जो है उसको रखा जाता है, ऑफिशियली उसको रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपेंड, और उनको कभी भी खोला नहीं जाता है. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और एनवलप में जो टिकट लगाया जाता है, उस टिकट को लगाने के लिए उस जो एनवलप में एक ऐसे ब्लैंक पेपर जो है उसमें रख दिया जाता है, और ब्लैंक पेपर के साथ में उसको फोल्ड करके उस एनवलप को वहाँ पर टिकट लगा दिया जाता है. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट स्टूडेंट हैव बीन देयर. उस रात क्या हुआ कि ही लुक्ड एट वन पर्टिकुलर एनवलप, वो एक पर्टिकुलर एनवलप को उसने देखा. एमंग हिज ओल्डेस्ट
फर्स्ट डे कवर्स, वहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स के एनवलप रखे हुए थे, उसमें से उसने एक एनवलप को देखा एंड दैट कवर शुड नॉट एंड ही फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड. तो यहाँ पे उसने क्या किया कि दैट कवर शुडंट हैव बीन देयर, जो ये कवर एक ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर था तो वो कवर वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट इट वॉज देयर, लेकिन वो कवर वहाँ पे था, मतलब एक कवर वहाँ पे फर्स्ट कवर उसको ऐसा मिला था जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर उसको मिला, इसको किसी ने भेजा था उसे, एंड दैट वॉज सेंट टू हिज ग्रैंड फादर, उसको किस उसके ग्रैंड फादर को भेजा गया था एट द एड्रेस ऑफ हिज होम दैट वॉज इन गेल्सबर्ग, और उस पर एड्रेस जो लिखा था वो गेल्सबर्ग का एड्रेस था जहाँ पर उसके ग्रैंड फादर रहा करते थे. आई अंडरस्टूड दिस फॉर्म मीन्स जो चार्ली था ही अंडरस्टूड दिस फ्रॉम द एड्रेस ऑन द एनवलप, और जो एनवलप पे जो एड्रेस दिया गया था उससे वो एकदम समझ गया था, एड्रेस जो वहाँ पे दिया गया उससे उसको समझ में आ गया. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और क्योंकि उसमें जो डेट पड़ी थी वो क्या थी, 18 जुलाई थी और 1894 का ये जो है लेटर था. द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल इट वेंट राइट इन टू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपेंड इट. तो यहाँ पे क्या था कि जो उसमें मुहर लगी हुई थी पोस्ट ऑफिस की उस एनवलप पे, दैट वाज द 18 जुलाई 1894, उसकी डेट क्या थी 18 जुलाई 1894 थी. बट यहाँ पे क्या था, चार्ली डिड नॉट रिमेंबर हैविंग सीन दैट एनवलप अर्लियर. अब उसको ये याद नहीं आ रहा था कि उसने इस लेटर को कभी पहले देखा था कि नहीं देखा था, ये बात चार्ली को बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी. वैल्यू ऑफ द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, और जो स्टैम्प की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 6 सेंट थी. इट्स कलर वॉज डल ब्राउन, उसका कलर क्या था, बिल्कुल डल ब्राउन था एंड हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड ऑन इट, और उस पर क्या था, गारफील्ड जो प्रेसिडेंट थे उनकी पिक्चर थी. ऑब्वियसली व्हेन द एनवलप केम टू हिज ग्रैंड फादर ही हैड पुट इट इन हिज कलेक्शन, तो अगर उसके ग्रैंड फादर के पास ऐसा कोई लेटर आया होता तो डेफिनेटली वो कलेक्शन में उसको रखता, वो कहीं बाहर अलग से ना होता बल्कि वो कलेक्शन में होता जो भी उसके पास था. He opened the envelope. और चार्ली क्या होता है जब envelope को देखता है कि बहुत ही strange envelope है, कहाँ से वो आ गया, तो उसको जब वो फिर जो है इसी curiosity के साथ वो envelope को open करता है. The paper inside wasn't blank, it read. और जो उसके अंदर उस envelope के अंदर paper था वो blank नहीं था बल्कि उसमें कुछ लिखा हुआ था. अब लिखा क्या था, 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल. आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सींग नेले होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन डी एंड कम ऑन बैक चार्ली एंड लाउजा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी. तो अब ये क्या था, ये एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पे, सेंडर एड्रेस वहाँ पे क्या लिखा था, सेंडर एड्रेस में लिखा था गेल्सबर्ग इलिनॉयस, और सेंडर एड्रेस में जो उसके ग्रैंड फादर का एड्रेस था 941 विलियर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉयस, तो ये उसके ग्रैंड फादर का एड्रेस था वो उसमें मेंशन हुआ था, और डेट क्या पड़ी थी, जुलाई 18, 1894. मतलब जो बाहर जो है एनवलप पे डेट दिखाई दे रही थी जिसमें सील के बाद जो डेट लिखी गई थी वही डेट इसमें दिखाई दे रही थी. तो इस लेटर को किसने लिखा है, इस लेटर को सैम ने लिखा है, और सैम जो है वो 1894 में चला गया है, टाइम ट्रेवल करके पीछे चला गया है, और वो चार्ली को और उसकी वाइफ को भी बुला रहा है, और वो कहता है कि जो है वो होप करता है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, इट मींस क्या होता है, ही होप दैट चार्ली एंड हिज वाइफ ऑल राइट देयर, यहाँ पे जो है वो एकदम अच्छे से हैं, एंड चार्ली स्टार्टेड बिलीविंग दैट He was correct. अब चार्ली जो है उसकी इस लेटर को जब देखता है तो उसको बिलीव होने लगता है कि वो एकदम मतलब सही. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सैम है, सैम ये विश्वास करने लगा है कि वो जो चार्ली ने उसको बताया कि वहाँ पे थर्ड लेवल एक स्टेशन था, जबकि जो है वहाँ पर कई सारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कसम खाते हैं, वो स्वेयर करते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं,
और लेकिन वहाँ पे क्या था, थर्ड लेवल था और सैम वहाँ जा करके उसने देख लिया है। और वो बताता है कि ही वॉज देयर सिंस लास्ट टू वीक्स इन द स्ट्रीट कॉल्ड डेलीज, और बताता है कि वो गेल्सबर्ग में है इस समय और लगभग उसको टू वीक हो चुके हैं वहाँ पर। डेलीज एक जो है प्लेस का नाम है जो कि गेल्सबर्ग में है। एंड उसने बताया कि समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और बताया था कि कोई वहाँ पे पियानो प्ले कर रहा है। एवरीबडी इज़ ऑन द साइड ऑफ रोड, सभी जो है रोड के किनारे से चलते हैं। एंड सिंगिंग अ सॉन्ग सीइंग नेलीज़ होम, और एक गाना गाते हैं जिस गाने का टाइटल क्या है, सीइंग नेली होम। आई हैव बीन इन, और बताता है कि ही हैज़ बीन इन्वाइटेड देयर फॉर अ लेमन जूस पार्टी, वहाँ पर एक लेमन जूस पार्टी है वहाँ पर वो इन्वाइटेड है। चार्ली एंड लाउजा, वो जो है चार्ली और लाउजा को भी बुलाता है गेल्सबर्ग में कि वो दोनों चले आएँ, और कहता है कि वो दोनों थर्ड लेवल को सर्च करते रहें, और कहता है कि विश्वास करना, प्लीज़ बिलीव मी दैट इट इज़ अ गुड टू मेक द एफर्ट, और वो कहता है कि जो है अगर तुम एफर्ट के थ्रू कोई प्रयास करके अगर यहाँ तक पहुँच जाते हो तो बहुत अच्छा होगा। द नोट इज़ साइंड सैम, और लेटर के लास्ट में क्या लिखा था, सैम लिखा होता है, इट इज़ सैम, आपको मालूम है कि ही इज़ अ ऑथर्स, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ नरेटर चार्ली, चार्ली का ये जो है दोस्त रहता है। तो एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट ही रियली विज्ड ही कुड डू, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाइज सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ही वेंट टू द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर, वो स्टैम्प और क्वाइन स्टोर पर जाता है, एंड ही फाउंड दैट सैम हैड परचेज्ड $800 ऑफ ओल्ड करेंसी, और वो ये पाता है कि सैम जो है वो 800 ओल्ड करेंसी डॉलर को परचेज किया होता है। तो वो एक क्वाइन डीलर के पास जाता है और सैम के पास लगभग $800 जो है उसके पास होता है, और वो जाके टोटल पूरा एक्सचेंज कर लेता है, एंड दैट मनी वॉज सफिशियंट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हे, और वो जो पैसा उसके पास $800 होता है उससे आराम से सैम जो है कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता था, जिसका नाम क्या था कि हे फीडिंग, जो मतलब हे मींस क्या होता है, भूसा। भूसा क्या होता है कि दैट इज़ अ फूड फॉर एनिमल्स, वो एनिमल्स का फूड होता है, तो उस फूड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था गेल्सबर्ग में, क्योंकि गेल्सबर्ग में क्या था कि उस समय ये साइकेट्रिस्ट होता है, तो साइकेट्रिस्ट का बिजनेस वहाँ पर इतने सारे पेशेंट ट्रीट कराने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि वो 1894 का टाइम है, तो वो अपने इस टाइम ट्रेवल से जो है वो बैक टाइम में चला गया है, पास्ट टाइम में चला गया है, जहाँ पर साइकेट्रिस्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं था सोसाइटी में। तो वो जो है ही मतलब वो हमेशा कोई बिजनेस करना चाहता था, और गेल्सबर्ग में जाने के बाद वहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी जो है उस बिजनेस की बढ़ गई, बट देर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग हिज प्रीवियस बिजनेस, जो उसका प्रीवियस बिजनेस होता है लाइक बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट होने का दैट वॉज देर वॉज नो स्कोप ऑफ दैट, वहाँ पे कोई उसका स्कोप नहीं होता है। दो सैम वॉज हिज साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम जो है वो चार्ली का क्या था, साइकेट्रिस्ट था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, यहाँ पर जो है स्टोरी एंड होती है। सैम जो है फाइनली गेल्सबर्ग में पहुँच जाता है और वहाँ पर वो हैप्पली रहता है, और वो अपने एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट वहाँ करता है, एक एनिमल जो एनिमल फूड होता है जिसको हे बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, शेफ होता है, और वो क्या होता है, वेस्ट मटीरियल होता है, उसी का बिजनेस खोलने की बात वहाँ पर करता है। तो इस तरह से वो अपनी पूरी अर्निंग को, जो भी उसने लाइफ टाइम जो उसने अर्न किया था 800 रुपीज़, वो उसके साथ में वहाँ चला जाता है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड वॉर का एक डिस्ट्रक्शन था, जो इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था, जो इतनी प्रॉपर्टी लॉस हुई थी, उससे वो एकदम परेशान हो गया था, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके बैक टाइम में चला गया था, और उस काम और सीरीन जो वर्ल्ड वॉर के पहले की जो स्थिति थी, जितना जो है लोग इन्जॉय करते थे एक पीसफुल एटमॉस्फियर को, उसको गेल्सबर्ग में जाके वो इन्जॉय कर रहा था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स, एंड इफ़ यू वुड हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी लाइन और इन एनी वर्ड, देन यू विल ड्रॉप योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।